चला, एक जगह पे सबका बोला। मैच खत्म होने के बाद सभी कुर्सी को आप लोग समेट करके एक जगह आप लोग एकत्रित कर लीजिएगा कल की तरह। हेलो जय देवा हम बड़ी हारने के बाद खिलाड़ बनिया ला नवा खिलाड़ दोनों की पासा नहीं लगी। लाइट बंद कीजिए, लाइट बंद कीजिए, छिक छिक वाला डांस वाला लाइट भी बंद कीजिए। ऑर्केस्ट्रा भी नहीं हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है रात में 8 बजे। अनोटर फोर में ग्राउंड के ईश्वर का देख पा रहे हैं एफसी राजस्थान रांची और अंतिम क्वार्टर मैच श्रृंखला का पहला क्वार्टर जो इससे पहले खेला गया उसमें बरसात यूनाइटेड ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, यानी कल के दिन में यहां से जो भी टीम जीतेगी उसका खेल कल बरसात यूनाइटेड के साथ यहां पर होना है। विजय मरांडी अंडर 19 भारतीय टीम से खेल चुके 11 नंबर जैसे पाकर खेल रहे हैं और इससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। इतना है बड़ा अचीवमेंट के लिए। लगा से आप लोगों से रिक्वेस्ट है आगे से जरा चांस दीजिए पीछे वाला को। और दो ध्यान रोशनी में ये मैच इस वक्त चलता हुआ और इतना ज्यादा भीड़ हो गया है एडिसन यहाँ से वो कम ही एरिया को हम लोग देख पाते हैं ग्राउंड का। सर जी से फीडबैक लेंगे इस रात्रि मैच में दुनिया ग्राउंड के लाइफ में शायद आपने कई टूर्नामेंट में कमेंट्री कर चुके हैं एरिया में कहीं में सर सर जी का माइक ऑन हो चुका है रिंकू सर और आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूज है, मुझे लगता है कंफ्यूजन होगा जर्सी के कलर में क्योंकि व्हाइट रेड और व्हाइट शॉर्ट्स यानी एक टीम का जो दोनों टीम्स क्या देखिए थोड़ा सा यहाँ पर फिर भी आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो एफसी रांची स्टार रांची टीम का जो जर्सी है कीजिए आदर्श जी। तो जो एफसी रांची स्टार रांची का कोचिंग है और आपका डीप रेड और थोड़ा सा व्हाइट नजर आ रहा है वो टीम आपका एफसी पटना पेंटर है तो लगभग दोनों ही टीम लगभग दोनों ही टीम कहीं ना कहीं शुरुआती चरण में बहुत ही संतुलित ढंग से खेलने का प्रयास किया है लेकिन देखना होगा यहाँ ये शुरुआती समय है इनके पास और समय रहते क्या यहाँ से भी गोल हम देख पाए खास करके यहाँ हमारे लोगों का खास करके यहाँ फोकस रहेगा विजय मरांडी पर क्योंकि एक नेशनल प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इनके अवसर गोल देखना चाहेंगे लेकिन ये खेल है कभी कभी आपसे गोल नहीं भी होती है लेकिन खेल कहीं ना कहीं बहुत ही लाजवाब करते हुए विजय मरांडी ये दुनिया रोशनी में खेलने का मजा ही कुछ और है मिलता देखने का बिल्कुल दुनिया रोशनी में यानी आपके देश में देखने का कुछ मजा ही अलग है यानी यहाँ पर वेदर आपके लिए अच्छा होता है फिर थोड़ा सा धूप और ऐसे मौसम है ना ठंड ना धूप बिल्कुल अनुकूलित मौसम और फुटबॉल का बना लीजिए बिल्कुल राजेंद्र कभी कभी दिल से ऐसा फीलिंग आता है दिल से ऐसा लग रहा है आपके कानों तक पहुंच रही है तो गाना दीजिए गाना और
की बात करें तो एक अलग एनर्जी आएगी टीम में, लेकिन अब समय है कोई भी लड़के लोग उसके साथ बदतमीजी नहीं करें। यह ग्रुप में जाकर के आप लोगों को जो कहा जा रहा है वो आप ही के बेहतर के लेके आ जा रहा है। और यहाँ पर यह गोल रांची की तरफ से भी गोल हो गया, आपकी जगह पटना पैंथर ने भी गोल लगा है। एक एक की बराबरी पर बीजिंग हो जाइए, बीजिंग का भी जोर से बजाइए। कभी कभी आप देखेंगे ज्यादा लोगों को पसंद करते हैं, ऐसी चीज में एसिस का भूमिका भी बहुत अहम होता है, वो बने बनाए चीज को उनके तक पहुंचाता है। तो यहाँ वाकई में दोनों प्रकार का साथ देता हूँ, एसिस करने वाले और गोल करने वाले, और एसिस करने वाले हमारे विजय बना देते हैं, बहुत ही सुंदर एसिस का होगा। बिल्कुल चाहिए ही चाहिए इस मुकाबले में, मुझे लग रहा है ब्रांडिंग करने का अगर वो सपना दिख रही है। और
क्या यहाँ पर वापसी होगा? शॉट बहुत ही उमदा लेकिन गोल नहीं हुआ। और राजेंद्र मैं हमारे साथी कमेंटेटर यहाँ सुशील जी भी बैठे हैं, मैं उनसे अभी का जो ताजा रिपोर्ट है उन पर इनका अनुमान क्या कहता है? इस तरह का शायद हाई वोल्टेज रोमांचक मैच शायद कल तक में नहीं हुआ था, लेकिन आज यहाँ गोल होना फिर रिटर्न गोल होना आप कहीं ना कहीं मेरे पे थोड़ा सा पकड़ रहा था। सुशील से मैं इनका फीडबैक जरूर जानना चाहूंगा। सुशील जी आपका भी स्वागत है इस माइक्रोफोन। थैंक यू सर, ऐसे समय पर माइक्रोफोन पर साझा करने के लिए आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दोनों टीम्स जिस प्रकार से जिस लय में इस मुकाबले को खेल रहे हैं कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के लिए सुपर फोर में अपना जगह क्वालिफाई करने के लिए मैच बड़ी संघर्षपूर्ण ये मुकाबला खेलते हुए दोनों टीम्स भले इस मैच में 2-1 से जो पलटवार यहाँ पर देखने को मिली है पटना पैंथर के द्वारा, लेकिन अभी कुछ समय अभी भी बाकी है, यहाँ पर देखना ये ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस बचे हुए समय पर क्या मैच को वापसी करेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी टीम जीतेंगे वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में अपना जगह बना लेंगे। और यहाँ पर जिस प्रकार से प्राइज मनी की बात करें तो काफी यहाँ जो प्राइज मनी है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ आज अगर इन दोनों में से जो भी टीम सेमीफाइनल में अपना जगह सुनिश्चित करेंगे तो एक थोड़ा सा दिख रहा है और मुझे लग रहा है काफी प्रयास कर रहे हैं इस वक्त एफसी राइजिंग स्टार रांची की ओर से स्ट्राइक लेने के लिए। मुझे लग रहा है विदेश निकाल गया कभी खतरनाक शूटर से और साइड रन ट्रेक रहे आरती थरी और कोल रोलन को कोल रोलन ने लगो तो को रांची के लगो बात को अभी तो थोड़ा रात के पहले लगा और फिर गए थे अर्थात हम मुझे कहना था बनार से खेलिए विदेशी खिलाड़ी ना कोई नहीं पटना पैंथर से था पुनिया को प्लेयर के और गुलियम सिंपली का रायल लेकिन राजेंद्र स्टार रांची से फोन हो पुनिया का से खिलाड़ी के ना समय है, लेकिन राजेंद्र जी कहीं ना कहीं काफी समय निकल चुका है सेकंड हाफ का भी। यहाँ से बहुत ही ज्यादा चुनौती बढ़ेगी राइजिंग स्टार रांची टीम के लिए क्योंकि यहाँ पर इनको जल्द से जल्द एक गोल वापसी करना होगा मैच को इक्वलाइजर करने के लिए, अन्यथा इनका जो एक जो सोच रहा है सुपर फोर में जाने का वो सफर इनका बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मौका था लेकिन यहाँ पर खेले गया जैसे नंबर 10 में खेल रहे पटना पैंथर की तरफ से राजू खान के लिए और मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से ये गोल वापस होगा और बहुत ही छोटा फॉर्मेट है सुशील तो आप समझ सकते हैं इतना आसानी से नहीं, लेकिन ये गोल है कभी भी गोल हो सकता है लेकिन चांस बहुत कम रहता है ऐसे में। ये जी बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि यहाँ पटना पैंथर की टीम भी चाहेगी कि जो हमारे पक्ष में 2-1 का जो लीड है इसको किसी भी हालत में बरकरार रखना चाहेगी अंतिम समय तक और थोड़ा सा वो डिफेंसिव जोन में भी ध्यान देंगे और इनका रणनीति यहाँ से कुछ चेंज होगा। यहाँ से प्लान भी अप्लाई कर सकते हैं कि ज़्यादातर वो अपने हाथ में गेंद अभी नहीं रखेंगे क्योंकि इनको पता है कि जब 2-1 से ऑलरेडी टीम लीड में है तो ऐसे समय पर वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे अपने हाथ में और ओपोनेंट टीम को उतना आसानी से वो मौका नहीं देना चाहेंगे। बिल्कुल अगर ये गोल वापस नहीं लेती है पटना पैंथर तो विजय का विनिंग गोल क्या ये 3-1 की बढ़त वाली गोल इस बार शुरू से मिल जाएगा पटना पैंथर को।